काफी ऊंचा पहाड़ है ये। हेलो हेलो चलो अब तो सूरज का छू देवे तेरे ओ दीपक ये दादाजी चाना मीठा दे रहे हैं ऊपर। हेलो कैसे लाते हुए पानी कंधा से धोके लाते हैं काफी मेहनत पड़ता है। उधर भोजन ही मानते हैं और यहाँ पे कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। सब लोग थक कर आराम कर रहे हैं लोविन लग रहा है कुछ दूरियां खत्म हो चुकी है। ओ यहाँ पे स्नान करने वाला है जगह काफी पत्थर में भी नाग आकृति मिली है आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा ये प्रकृति का ही है। इसमें कोई भी चीज़ बनाया हुआ अपना से नहीं है। इसमें पानी नहीं है इसमें बट ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है प्राकृतिक है ये पूरा टाइटेनिक तरह है। एक उधर दिखाए थे और इधर दिखा रहे हैं वो नाव के बाद जो मंदिर के पास में जाएंगे लोग देख सकते हैं जो कि सिंहेश्वर पहाड़ पे जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वहाँ पे जो काली माता का जो मंदिर है काफ़ी ऊंचाई पे आने के बाद में जो मंदिर है यहाँ पे दर्शन करने के लिए नेपाल के भी
दर्शन करने वाले भक्त आते हैं और इंडियन का भी आते हैं, जो कि काफ़ी लंबा लाइन पड़ा लगा है। और इधर देख सकते हैं दोनों तरफ से लाइन काफ़ी लंबा लगा हुआ है। और यहाँ पे दसारे लोग सब कोई नारियल का जल फोड़ कर जल को विसर्जन कर रहे हैं। और ये पूरा नेपाल में आता है, जो कि इधर देख सकते हैं पूरा नेपाली दिखाई दे रहा है। और बत्ती बार लेते रहिए काफी ऊंचा के है। आमाको अनुहार हेर्नुहोस् अनि ढोगेर जानुहोस् आशीर्वाद मागेर। यहाँ पे थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद ये काफ़ी लंबा है और लाइन खराब है यहाँ पे। और इंडियन आर्मी भी सब आ चुके हैं यहाँ पे, और नेपाली भी सब भी हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे हर एक मन्नतें पूरा होते हैं। नेपाली भी ऐसे जवानों को जो यहाँ पे कैंप है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए नए जगहों का वीडियो आपके पास जरूर जाएगा। और अभी हम यहाँ से सोमेश्वर पहाड़ पे काली माता मंदिर से दिखा रहे हैं आपको वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा।